अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अस्मा भनशेज किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं तंदूरी पटेटोज, जो कि एक सिंपल सी डिश है। मैं इसे ओवन में बना रही हूँ। अगर आपके पास ओवन ना हो तो आप इसे नॉर्मल पैन में शैलो फ्राई कर लीजिए और फिर इसे कोयले का धुआं दीजिए। तो चलिए देखते हैं तंदूरी पटेटोज के लिए हमें क्या क्या इन्ग्रीडियंट्स चाहिए। इसके लिए हमें चाहिए 3 मीडियम पटैटोस, आलू वॉश करके ले लें, योगर्ट, दही 2.5 टेबल स्पून, 2.5 टेबल स्पून, नमक, सॉल्ट एज रिक्वायर्ड, हल्दी पाउडर, टर्मरिक पाउडर 1/2 टी स्पून, ब्लैक पेपर पाउडर, काली मिर्च का पाउडर 1/2 टी स्पून, कश्मीरी रेड चिल्ली पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर 1.5 टीस्पून, 2 टेबलस्पून ऑयल, तंदूरी मसाला 1.5 टेबलस्पून, कसूरी मेथी 1 टीस्पून, वाटर पानी 3 कप, रेड फूड कलर 1/2 टीस्पून। तंदूरी पटैटोज बनाने के लिए एक बर्तन में 3 कप पानी को बॉईल करें। पटैटोज को मोटा स्लाइसेस में कट करें। मोटे स्लाइसेस में कट कर लें। सारे पटैटोज को इसी तरह कट करें और पानी में डाल लें। पानी बॉईल हो गया है, अब हम इसमें सॉल्ट ऐड करेंगे और पटैटो स्लाइसेस डाल देंगे। 3 से 4 मिनट तक पटैटो स्लाइसेस को बॉईल करेंगे। इसे 50% पकने देंगे। पटैटोज 50% पक चुके हैं, अब हम इसे पानी से अलग कर देंगे, एक बाउल में निकाल देंगे। अब हम दही में कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, हल्दी पाउडर, ब्लैक पेपर पाउडर, सॉल्ट, फूड कलर, तंदूरी मसाला, कसूरी मेथी, ऑयल, सारी चीज़ों को मिक्स कर लें। अब हम इसे बॉइल्ड पटैटोज में डाल देंगे। मिक्स करें। इन मसाला लगे पटैटोज को एक ट्रे में रख दें और फिर प्री हीटेड ओवन में 180 डिग्री पर 10 से 12 मिनट के लिए बेक करें और ऊपर से ऑयल वॉश करें। तंदूरी पटेटोज रेडी हो चुके हैं। हम इन पटेटोज को स्टार्टर की तरह सर्व करेंगे। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।